डीपीआर प्रेजेंटेशन के बाद अगला मामला ये इसमें कि प्रदेश और केंद्र सरकार सैद्धांतिक सहमति उत्तर प्रदेश सरकार ने इसमें 2019 में दे चुकी आरआरडीएस को मेरठ से मुजफ्फरनगर तक पढ़ाने के लिए। डीपीआर बनने का काम पूरा हो चुका है, अब आपकी काम है बजट एलोकेशन और काम शुरू करना। कागजी काम सारा कम्प्लीट है। मैं आपके माध्यम से सांसद जी को भी सब पत्र भेज दूंगा, जिनसे उनकी चक्षु में थोड़े से खुल जाए, उन्हें जानकारी हो जाए। उन्हें मैं भी बताना चाहता हूँ, नोडल मिनिस्ट्री अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री इसमें है, एनसीआरटीसी इसमें है। अगर वे किसी और मंत्रालय को पत्र दिए घूम रहे हैं तो कृपया ऐसा ना करें। अगर किसी बात का ध्यान नहीं है तो किसी छोटे से पूछने में भी कभी अपमान नहीं होता। ये मैंने सिर्फ पत्र नहीं लिखे, मैंने अपने जीवन के 4 साल आरआरडीएस में 4 साल जो आपने मुझे मौका दिया था मेहनत की। पत्र लिखने से और संसद में बात उठाने से कभी कोई काम नहीं होता। काम के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अधिकारियों से, नेताओं से, मुख्यमंत्री से, मंत्रियों से लगातार जाकर संपर्क रखें और जो ताकत आपने दी उस ताकत के बल पर आरआरडीएस का प्रोजेक्ट यहाँ तक पहुंचा है। तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा इस प्रोजेक्ट पे डीपीआर बनने के बाद जो फाइनल काम है कृपया भी इसमें आगे बढ़ावें और हमारा सहयोग। अब आरोप प्रत्यारोप बंद करें। 4 बार विधायक इस जनपद में उन्हें चुना है, 1 बार राज्यसभा में लिया और अब सांसद आपने चुना है मुजफ्फरनगर। ये 6 योजना उन्हें आपने दी है, इन 6 योजना का एक बड़ा काम को बताएं कि सांसद और विधायक विदेश से लगट के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए मुजफ्फरनगर जनपद में जाए। 3 बार उनके पुत्र विधायक, तीसरी बार विधायक है, दोनों मिलकर एक बड़ा काम हुआ है। दोनों मिलकर जो मुजफ्फरनगर की जनता ने इतना मौका दिया, मैं अपने कामों के लिए इसको बहुत गिना सकता हूँ। आपको कम से कम बेबी ने मैं चुनाव के पहले से भी बड़े हैं, चुनाव से पूर्व भी आरोप प्रत्यारोप करते रहे, मैंने बचने का प्रयास किया। मैंने कहा विकास की राजनीति करते आरोप प्रत्यारोप नहीं करते, लेकिन उनके द्वारा विकास की राजनीति नहीं की गई, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हुई। सांसद बनने के बाद या तो जमीन के मामलों में पड़ते रहे कि रेलवे स्टेशन के सामने जमीन है उसमें होटल बनवाने में लगे रहे, कि बगपोड़ की जमीन है होटल बने, गेट के लिए तो गेट बनवाने में लगे रहे, या मेरे ऊपर आरोप लगाने। अरे भाई आप सांसद हैं, अब आप काम कीजिए, आपको जनता ने काम के लिए चुना है, तो मैं चाहता हूं कि मुजफ्फरनगर के विकास के लिए काम करें और अपना 30 साल जो जनप्रतिनिधि के तौर पर मुजफ्फरनगर की जनता ने दिया उसका हिसाब किताब भी सामने रखें। एक बड़ा काम, एक नया हाईवे, एक कोई बड़ी सड़क, एक कोई बड़ा काम, एक अपना बड़ा काम गिनाए, झूठ की राजनीति ना करें, झूठ के पैर नहीं होते। एक बार उन्होंने भ्रम पैदा कर दिया मुजफ्फरनगर, उन्हें मुबारक हो, आगे विकास की राजनीति चलेगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ जनपद की मीडिया का इसमें मुझे पूरा सहयोग मिलेगा। ये 4 प्रोजेक्ट मुजफ्फरनगर के लिए बहुत आरआरटीएस इतनी महत्वपूर्ण है, मेरठ से सही बात चली है, आप इससे पूछ के देखिए कितना आनंद आरआरटीएस का है इस समय मेरठ के लोगों का। मेरी इच्छा थी कि मुझे मुजफ्फरनगर से चले, जनता ने मौका नहीं दिया कोई बात नहीं, 5 साल देख रहे हैं, 5 साल बाद जनता जब दोबारा मौका देगी तो फिर हम करके दिखा देंगे, हम करके दिखाएंगे, हम 5 साल का और भी लगाएंगे, 5 साल क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जनता ने मुझे 10 साल दिए, मैं हमेशा जनता के बीच में रहा विकास के कार्य की। तो मेरा निवेदन है सबको, इतने कागज सही तथ्यात्मक जानकारी मैंने दी, घर बैठकर का निवेदन यह है कि झूठी खबर जितनी बड़ी छपी थी कम से कम सच्ची खबर से 4 गुने बड़ी आपके माध्यम से जनता के बीच में जाए, मेरा अनुरोध है। आपको कोई सवाल करना है तो आप कर सकते हैं। भूपेंद्र जी से मांगा नहीं, ये जवाब नोटे मिनिस्टर का जवाब नहीं है, ये जवाब मिनिस्टर का जवाब नहीं है, ये जवाब भारत सरकार का जवाब, भारत सरकार की तरफ से ये जवाब। संसदीय कार्य मंत्री जी या जो भी सिस्टम वहां का उनका जवाब है। इसमें साफ साफ लिखा है, डियर श्री हरेंद्र सिंह मलिक जी, काइंडली रेफर टू द मैटर रेज बाय यू ड्यूरिंग 0 ओवर इन लोकसभा ऑन 25/7/2024 रिगार्डिंग इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रैपिड रेल इन मुजफ्फरनगर। ये क्वेश्चन जो उन्होंने रेज किया था उसका जवाब इसमें साफ ही लिखा हुआ है। ऐसी बात कहना उस लोकतंत्र के मंदिर के संदर्भ में आदरणीय पूर्व मंत्री जी का गलत, जो 2 बार सदन के सदस्य थे वो कह रहे कि हमने गलत मंत्री से जवाब मांगा, जैसा कि आपका सवाल था, मैंने उनकी बात नहीं सुनी पर यही सवाल आपका था ना जी। अब ऐसी बात कहना तो गलत है, इतना बड़ा चैलेंज करेंगे। मैं तो बार बार आश्चर्यचकित और अपने आप को
मतलब अजीब सा महसूस करता हूँ कि यार मुख्यमंत्री जी से ही अपनी लड़ाई मानते हैं। मुख्यमंत्री जी कल आए, बार बार दोहरा रहा हूँ उस बात को, और आज ये कह रहे हैं कि हमारे पिता पुत्र की सरकार। भैया पिता पुत्र जिस दिन सरकार में होंगे, आप सबके सामने कह रहा हूं, एक भी खोखला वादा नहीं करेंगे, ऐसे काम करेंगे जिससे लोग कहेंगे कि हाँ इन्होंने किया है। पिता मिल में जिसका बच्चा नौकरी करता है ना, जब लगी थी, चाहे पिता मिल हो पूरे जिले में कैंसर कर दी, जाकर के देख लीजिएगा, हरेंद्र मलिक जी से ज्यादा अगर किसी ने नौजवानों को रोजगार दिलाने का काम किया, अपनी तरफ से प्रयास करने का काम किया, गन्ना किसान की लड़ाई लड़ने का काम अगर यहाँ किसी ने किया, नौजवान की लड़ाई लड़ने का काम यहाँ किसी ने किया, अपने आप को हर परिस्थिति में सामाजिक और राजनीतिक मामलों में जिंदा रखने का काम अगर किसी ने किया है, वो है। विधायक जी, इस बात को आप